आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास 12 मासों में सबसे ज्यादा प्रिय मास है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास वैसे ही प्रिय है जैसे श्रीमती राधिका रानी। श्रीमती राधिका रानी के एक नाम कार्तिका भी है और उन्हीं के इस नाम पर आधारित है कार्तिक मास। इसीलिए इस मास में विशेष करके श्रीमती राधा रानी की पूजा की जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में ऐसा वर्णित है कि दीपावली के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दामोदर लीला की थी। कार्तिक मास में आने वाले दीपावली के दिन बाल कृष्ण ने हमेशा की तरह माता यशोदा को एक बार फिर परेशान किया था। बाल कृष्ण हमेशा ही माखन चुराने के लिए मठियों को फोड़ देते थे जिससे माता यशोदा उन पर गुस्सा करती थी। इस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया और जब क्रोध में आके माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ी तो बाल कृष्ण रोने लगे और रोते रोते वे एक उखल के पास जाके खड़े हो गए। इस बार माता यशोदा ने उनको दंड देने का निश्चय किया और उनको उखल से बांधने के लिए रस्सी लेकर आई और रस्सी से उनको उनके पेट पे बांधा। किंतु सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को कौन बांध सकता है? माता यशोदा कितना भी प्रयास करती हमेशा रस्सी दो अंगुल छोटी ही रह जाती और वह किसी भी प्रकार रस्सी से दामोदर को उखल से बांध नहीं पा रही थी। जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा हर तरह से थक गई हैं, तो प्रेम वश होने के कारण बाल कृष्ण ने निश्चय किया कि वे प्रेम के वशीभूत होकर माता यशोदा के हाथों बंध जाएंगे। उखल से बांधने के कारण बाल कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। जिस प्रकार माता यशोदा ने भगवान बाल कृष्ण के पेट को उखल से रस्सी से बांध दिया, इसीलिए इस मास का अंत को दामोदर मास भी कहा जाता है। 12 मासों में कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की थोड़ी भी भक्ति करने से कार्तिक मास उसे भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करते हैं। दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करना बहुत ही पुण्य फलदायी और श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करने में सहायता प्रदान करता है उसकी प्रशंसा भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की महिमाओं का वर्णन करने वाला व्यक्ति अपने लाखों जन्मों के कष्टों से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास समस्त मासों में अत्यंत महत्वपूर्ण मास इसलिए भी है क्योंकि इस मास में श्रीमती राधिका की पूजा श्री दामोदर के साथ की जाती है। श्री राधा दामोदर की पूजा इस मास में विशेष पुण्य फलदायी और भक्ति प्रदायनी है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका हैं और वे भक्तों को भगवान दामोदर की पूजा करने के फलस्वरूप विशेष भक्ति प्रदान करती हैं। इसीलिए प्रत्येक कृष्ण भक्त कार्तिक मास में अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक कृष्ण भक्त को पूरे मास में राधा दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए और उखल बंधन लीला को दिखाने वाले चित्र के आगे प्रत्येक साय को घी का दीपक अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में किए जाने वाले कुछ नियम इस प्रकार हैं। कार्तिक मास के अंतर्गत अनेक उत्सव मनाए जाते हैं और इन्हीं में एक विशेष उत्सव है ऊर्जा व्रत, जो कि अक्टूबर और नवंबर महीने के मास में आता है। इस पूरे ऊर्जा व्रत के दौरान प्रत्येक कृष्ण भक्त विभिन्न प्रकार के संकल्प करने का निश्चय करते हैं। इस उत्सव के दौरान इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में और खास तौर पर वृंदावन में
भगवान दामोदर के विग्रह की पूजा की जाती है और उनको उखल बंधन लीला को प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक साय को समस्त भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को राधा दामोदर के रूप में घी से अर्पित दीपक अर्पित करते हैं और दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। ऊर्जा व्रत के दौरान पवित्र स्थल मथुरा अथवा वृंदावन में वास करने की संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्त ऊर्जा व्रत के दौरान कार्तिक मास में कुछ दिन भी रहकर यदि इसका पालन मथुरा मंडल के क्षेत्र के अंतर्गत करता है तो उसे कृष्ण भक्ति अत्यंत सुलभ हो जाती है। जिस प्रकार भगवान दामोदर अपनी माता के प्रेम के वशीभूत हो गए थे, उसी प्रकार इस व्रत का पालन करने वाले भक्त के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं और उसे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक कृष्ण भक्त को कार्तिक मास का संपूर्ण निर्वहन करना चाहिए और इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। कार्तिक मास शुरू होने से पहले प्रत्येक कृष्ण भक्त ऐसा संकल्प ले कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हूँ और आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में स्नान का संकल्प लेता हूँ। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करें। श्रीमद् भागवतम आदि सत्य शास्त्रों का श्रवण करें और उसमें भी खास तौर पर वृंदावन लीलाओं का अत्यधिक मात्रा में श्रवण करें। संपूर्ण परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हरि नाम करें और वैष्णवों के सहयोग से भगवान श्री हरि के महिमा का श्रवण करें। हर साय को पूरे परिवार के साथ मिलकर राधा दामोदर के आगे उनको घी का दीपक अर्पित करें और उनके आगे दामोदर अष्टकम का पाठ करें। तुलसी महारानी के पूजा करें और तुलसी महारानी के वन की रक्षा करें। नित्य यमुना स्नान अथवा वैष्णवों की सेवा करें। इस मास में वैष्णवों की सेवा करना, उनको दान देना और उनसे भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करना विशेष कर लाभदायी है। पूरे कार्तिक मास में किसी न किसी प्रकार के प्रिय खाद्य पदार्थ का वर्जन करना चाहिए और जब व्रत पूरा हो जाए तो उसके पश्चात वैष्णवों का सम्मान करें, उनको उपहार दें, उनको दान दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अपने उस प्रिय पदार्थ से पारण करें। पूरे कार्तिक मास के दौरान विशेष प्रकार के पकवान भगवान श्री राधा दामोदर को अर्पित किए जाने चाहिए। वैसे तो इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में शाम को 7 से 8 के बीच में राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए दामोदर आश्रम का पाठ होता है और अनेकों भक्त आकर भगवान श्री कृष्ण को घी से अर्पित दीपक अर्पित करते हैं। किंतु यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही भगवान के विग्रह के आगे घी का दीपक अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग प्रदान करें। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग ही मूल कारण है। कार्तिक मास विशेष रूप से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी मास में भगवान ने अपनी विशेष लीलाएं की थी। इस मास में होने वाली अनेक लीलाएं इस प्रकार हैं, जैसे गोप अष्टमी, दीपावली, उखल बंधन लीला, बहुला अष्टमी। इसी मास में आती है उत्थान एकादशी, जब भगवान श्री कृष्ण चतुर्मास के उपरांत उत्थान करते हैं, अर्थात 4 मास विश्राम करने के उपरांत वे उठते हैं, इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो आइए हम सब लोग श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान राधा दामोदर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जिस प्रकार आप अपने प्रेमी भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं उसी प्रकार हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे वशीभूत होकर हमें अपनी श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करें। श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। श्री राधा दामोदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।